एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। तो हम बनाने जा रहे हैं पॉट्स, जिसका बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बना लिया है वायर मेश से। डिज़ाइन में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, अगर सीमेंट अप्लाई करने के बाद थोड़ा बहुत ये कॉम्प्रेस हो सकता है। तो ये है पूरा कैस्केड स्टाइल वाला एक पॉट की डिज़ाइन, और जिसमें ये एडिशनल पॉट भी मैं उसके साथ जोड़ रहा हूँ, जो कि अच्छा भी दिखेगा। तो एसी मेटल नेट, देखिए नज़दीक से दिखाता हूँ, ये आपको हार्डवेयर स्टोर से ज़रूर मिल जाएगी। ये है गैल्वेनाइज आयरन मेटल नेट, वो बहुत ही सस्ती होती है, रोलर में मिलेगी, जो भी मिल जाएगी आपको। और उसके साथ कुछ सपोर्टिव के लिए हमने लिया है कुछ, ये गैल्वेनाइज का ही वायर लिया है, जो कि थोड़ा बड़ा है, जो इस वायर नेट को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर पाएगी। और हमारे ये एडिशनल जो आइटम्स होती है स्पोर्ट्स के साथ, उसको हमने अटैच किया है उसके साथ, ये वायर आप देख सकते हो। तो अब बारी आएगी उस पर प्राइमरी स्ट्रक्चर देने की, यानी कि पहला सीमेंट पॉट देने का, वो हम देंगे। तो ये है हमारा पहला चरण पॉट बनाने का, जिसको मैंने ये जो वायर है उसको कहीं कहीं मैंने बांध लिया है उसी के नेट का वायर लेके। तो ये थोड़ा सपोर्ट करेगी, तो देखेंगे स्टेप बाय स्टेप हम कैसे बनाते हैं पॉट। तो बने रहिए हमारे साथ। अब बारी है मेटल नेट पे सीमेंट मिक्सर डालने की। तो मैं इस तरह से अप्लाई करता हूँ, ये मुश्किल पार्ट है। तो इस तरह से चपटा कीजिए और जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ डालते जाइए, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, हाथों से ही काम चलाना है। और ये देखिए टेक्सचर, ये सीमेंट मिक्सचर का मिट्टी जैसा चाहिए, और थोड़ा सा हाथों में लेना है और लगा देना है और थोड़ा सेट करना है। ज़्यादा प्रेस करेंगे तो नीचे से निकल जाएगा, तो ये टेक्सचर सही रहेगा। और इस तरह से पहली बार जब हम अप्लाई कर रहे हैं, तो नीचे वाले पोर्शन में और ऊपर के पोर्शन में हम लगा सकते हैं। अगर ड्रेनेज होल के लिए जगह रखनी है तो हम नीचे रख सकते हैं। तो इस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करते रहना है। तो यही मुश्किल पार्ट है हमारे इस एसी पॉट बनाने का। तो अगर ऐसा आप कर सकते हो या अच्छे से कोई आइडिया है तो मुझे भी बताइए, नहीं तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ। तो इस तरह से पूरा पॉट कवर करना है, नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट। अगर कोई मुश्किल पार्ट है, अगर आज रह जाता है तो ये सूख जाएगा, बाद में हम रिमेनिंग पार्ट में लगा देंगे और दूसरे दिन उसके नीचे हम अप्लाई करेंगे, जिससे उसको बैकअप मिल जाएगा और ये टूट नहीं सकेगा। तो चलिए मैं लगा लेता हूँ। तो मैंने मिक्सर लगा लिया है, नीचे कुछ लगाया है, यहाँ जोड़ में लगाना ज़रूरी है नीचे, और ये ऊपर। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से हमें लगाते जाना है। और एक बार ये स्ट्रक्चर एक बार ये जम गया तो बाद में पॉट की डिज़ाइन लेयर बनाने में बहुत ही अच्छा होगा। तो यही पार्ट मुश्किल है इस प्रोसीजर का। तो एक बार इस तरह से अगर ये जम जाता है, और एक बार हमें फिर से बैकअप देना पड़ेगा, नीचे से हम अप्लाई करेंगे ये सूखने के बाद, जिससे ये बहुत ही मज़बूत हो जाएगा, और बाद में हम डिज़ाइनर लेयर लेंगे।
तो आज मैंने इतना लगाया है और थोड़ा लगाऊंगा, तो अगले दिन सूखने के बाद दूसरा काम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैंने ये सीमेंट मिक्सर लगा दिया है, ये कंपेनियन पॉट है। और जोड़ों में ख़ास ध्यान रखें, जोड़ यहाँ बनता है तो यहाँ ज़्यादा मिक्सचर लगा है। और पूरा ये ऊपर का जो राउंड है तो उसका नीचे का पार्ट है उसमें ज़्यादा मिक्सचर लगाना चाहिए या लगा ही देना चाहिए। और यहाँ एक जोड़ बनता है तो इस जोड़ में मैंने लगा दिया है। और नीचे इजीली हम अप्लाई कर सकते हैं, ऊपर की ओर लगाना है तो ऊपर से ही अप्लाई करें, नीचे से ना लगाए नहीं तो नहीं लगेगा। तो इस यहाँ मैंने ऊपर से लगाया है, कुछ नीचे से लगाया है। तो इस तरह से हमें फर्स्ट लेयर लगाना है। अब ये सब मिक्सचर सूखने, अब ये मिक्सर कल तक सूख जाएगा तो कल शाम को मैं काम कर पाऊंगा या दिन में काम करूंगा। तो कम से कम 12 घंटे तक तो ये उसको ऐसे ही रहने देना है। और उसके बाद भी ये इतना मजबूत तो नहीं होगा, इसलिए हमें बैकअप देना पड़ेगा। नीचे से मैं फिर अप्लाई करूंगा मिक्सर, यह जोड़ में भी नीचे से लगाऊंगा तो ये बहुत मजबूत हो जाएगा। बाद में धीरे धीरे करके हम लेयर लगाते जाएंगे तो ये मजबूत होता जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कल। हमने कल उस पे फर्स्ट लेयर लगाया था, देखिए ये अब सूख चुका है। कुछ कुछ जगह अभी भी बाकी है, मेरे पास इनफ मटेरियल नहीं था। ये देखिए यहाँ अंदर से लगा है, ये ऊपर से लगा है। तो अपने सहूलियत के हिसाब से ऊपर नीचे करके आपको लगाना है। जो पार्ट ऊपर है उसको ऊपर से लगाए। अब बारी आती है उसको बैकअप देने की। ये इतना मजबूत नहीं है, आज यहाँ हैंडलिंग में ज़्यादा नहीं करता, मगर आज मुझे बाहर लाना पड़ा है तो यहाँ थोड़ा ब्रेक डाउन हुआ है यहाँ जोड़ों में। तो वहाँ हम और ज़्यादा मिक्सचर लगाएंगे। तो इस तरह मिक्सचर लगाने के बाद जब भी आप काम करें तो पूरे वर्क को या वर्क पीस को या पोर्ट को प्लास्टिक से ढकना ज़रूरी होता है। तो सीमेंट का एक करेक्टर है कि उसको जितना धीमे सुखाएंगे उतना बहुत मजबूत बनेगा बॉन्ड। यानी कि सूख तो ये ड्राई तो हो जाएगा, मगर उसको पानी से गीला ही रखना है। तो उसको उसका बेस्ट उपाय ये है कि उसको आप प्लास्टिक से कवर कर दें पूरा। तो मेरे पास इतना बड़ा प्लास्टिक नहीं था तो मैं पूरा कवर नहीं कर पाया था, इसलिए ये थोड़ा सूख गया है। अगर हो सके तो काम करने के बाद दूसरे दिन तक उसको पूरा प्लास्टिक से ढक के रख दे। तो इस तरह से स्प्रे करके हम उसको गीला करेंगे और आगे का काम करेंगे। तो चलिए, हमारा मिक्सचर रेडी है, मैं हाथों से ही लगाता हूँ। तो अब हमें उसको बैकअप देना है। तो जहाँ हमने पहली बार जो भी मिक्सचर लगाया था उसके नीचे से हमें दूसरी बार ये लगाना है, जिससे थोड़ा मजबूत हो जाए और हम जो भी डिज़ाइन के लिए जो भी एक्स्ट्रा मिक्सचर लगाएंगे वो उसको सपोर्ट कर सके। तो पहले हमने जो पतला लेयर लिया है उसको हमें मजबूत करना है। और यह जो ब्रेकडाउन हुआ है उसमें हम और थोड़ा मिक्सचर लगाएंगे तो और ज़्यादा मजबूत होगा ये। और नीचे से भी मिक्सचर लगाते हैं जिससे ये उसको बैकअप भी मिल जाए और थोड़ी मोटाई भी बढ़ जाए उसकी और ये टिका रहे, क्योंकि ये हमने बाहर से लगाया है, बाहर की ओर निकला हुआ एक्सटेंड किया है। ग्लोव्स पहनना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि स्किन को नुकसान भी कर सकता है थोड़ा बहुत तो ये सीमेंट।
अलग अलग साइज़ में होता है, ग्लोस भी अपने अनुकूलता के हिसाब से आप पसंद कर सकते हैं। तो इस अभी कोई डिज़ाइन का काम नहीं होगा दोस्तों, इस तरह से जहाँ भी हमने कल लगाया था उसके नीचे हमें आज सीमेंट मिक्सचर लगाना है। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके उस पर ज़्यादा सीमेंट मिक्सचर लगाएंगे जिससे ये मजबूत हो जाएगा, और जहाँ भी मिक्सचर बाकी है वहाँ भी हम आज अप्लाई करेंगे सीमेंट मिक्सचर, और वो इंडोर में जाके करेंगे क्योंकि वो काम नाजुक है, बिखर सकता है। तो जहाँ भी पॉट रखना होगा वहाँ रखने के बाद ही मुझे वो काम करना पड़ेगा, वो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं बाहर लाया हूँ इस काम को आज। नहीं तो पहले बार का कोटिंग को आप ज़्यादा हैंडलिंग ना करें, बैकअप देने के बाद ही आप उसको हैंडलिंग करें, और उल्टा पुल्टा करके आप डिज़ाइन का काम कर सकते हैं। चलिए इस तरह से हम लगा देंगे। मैंने कुछ अंदर की ओर मिक्सचर कर लिया है, मगर अब ज़्यादा पार्ट नीचे की ओर है तो उसको मुझे उल्टा करके काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे इंडोर जाना पड़ेगा, बैठ के काम करना पड़ेगा। तो बाद में देखेंगे, प्रोसीजर आपको समझ में आ गई होगी। पहले मेटल नेट बनानी है, उसके बाद प्राइमरी लेयर बनाना है और सेकेंडरी लेयर उसका बैकअप है, उसके बाद कुछ डिज़ाइन का सोचेंगे। तो चलिए दोस्तों हमारे साथ बने रहिए एंड तक। तो दोस्तों दो दिन के बाद ये है उसका लुक जो हम बना रहे हैं, एक आर्टिस्टिक पॉट। तो कल मैंने कुछ पहले बार जो स्ट्रक्चर किया था उसको बैकअप दिया था, आप देख सकते हो यहाँ अंदर से अप्लाई किया था और कल मैंने बाहर से अप्लाई किया, तो ये एक स्ट्रक्चर बन चुका है और ये थोड़ा अब मजबूत हो चुका है। और यहाँ भी मैंने बैकअप ले लिया था, बैकअप में भी अप्लाई कर दिया था। फर्स्ट अप्लाई के बाद सेकंड कोट लगाया है और अब बारी आती है, ये मजबूत हो चुका है तो हम उसको हैंडलिंग कर सकते हैं। तो ये सब मेटल नेट जो हमने डाली है उसको कॉर्नर से निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मेटल नेट हो उसमें जंग लग जाएगा, तो उसका उपाय मैंने ढूंढा है कि ये जो भी कॉर्नर है वहाँ से करीब एक से आधा इंच का जो भी अंतर है वहाँ से मैं सभी मेटल नेट काट लेता हूँ। उसके लिए मेरे पास छोटी सी स्निप है, कटर, उसी की मदद से मैं धीरे धीरे करके काट लेता हूँ। और यहाँ तो मैंने काट भी लिया है सब, ड्रेनेज होल के इधर उधर का भी काटना ज़रूरी होता है, जिससे क्या होगा कि ये पूरा हाइड हो जाएगी मेटल नेट कैसे, वो भी देखेंगे हम। यहाँ हमने बैकअप ले लिया है, तो फिर हमें यहाँ से ये सब मेटल नेट ऐसे करके धीरे धीरे हमें निकालनी होती है, और मैं उसको काट लेता हूँ। तो इसका फ़ायदा यही होगा कि ये जंग नहीं लगेगा और पॉट हमारा अच्छा दिखेगा, या पॉट में जल्दी जंग नहीं लगेगा। नहीं तो अगर ये जंग लग गया तो वो हिस्सा अलग ही दिखेगा जब हमारा पॉट तैयार होगा इतने दिनों में। यहाँ अगर जंग लगना शुरू हो गया लोहे में तो पोर्ट इतना इफेक्टिव नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए मैं इस तरह से सभी मेटल नेट निकाल देता हूँ, जितने भी कॉर्नर है एज है उन सभी में से मुझे ये मेटल नेट निकालनी होगी। तो धीरे धीरे करके हम मेटल नेट निकाल रहे हैं कॉर्नर से।
जिससे पोट में जंग ना लगे। तो इस पे यही मेहनत लगती है, इसलिए ये थोड़ा पोर्ट कॉस्टली हो जाता है अगर आपको इसको सेल करना है तो, क्योंकि आज तीसरा दिन है और अभी हमारा फ्रेमवर्क बन रहा है, उसके बाद हर रोज़ जितना सूखेगा उतना हम काम करते चले जाएंगे और फिर थोड़ा टचअप देंगे, टेक्सचर देंगे, तो धीरे धीरे करके ये पोर्ट तैयार होता है। 4-5 दिन में या अगर ज़्यादा काम करने का मौका मिला तो जल्दी ही पोर्ट बनेगा। तो वैसे तो मैं फुल टाइम काम नहीं कर पाता, जितना भी टाइम मिलता है उसमें ये मुझे मैनेज करना होता है, और इस तरह आउटडोर में भी काम नहीं कर पाता, मुझे रात को काम करना पड़ेगा उस पर। तो ये फ्रेम इस तरह से एक बार हमने कोटिंग कर लिया, 2 बार का कोटिंग, तो उस वक्त ये काम है। बाद में हम यहाँ जो भी कॉर्नर ओपन होते हैं मेटल नेट के, वो हमारे हाथों में लग सकते हैं काम करते वक्त, तो उन सब को प्रेस करना होता है उसका एंड को, तो हमें काम करते वक्त हाथों में लगेगा नहीं। ये नोज प्लायर है, किसी भी चीज़ से आप इन सब को दबा दें तो हमारे हाथों में नहीं लगेगा। ये काटने के बाद ये ओपन हो जाते हैं, मगर पोर्ट जब तैयार होगा तो आप देखेंगे कि ये कितना अच्छा होगा। ये मेरी खुद की टेक्निक है, मैंने सिर्फ देखा था ऐसा पोर्ट, मैंने पूछा कैसे बनाते हैं, मुझे जवाब नहीं मिला तो फिर मैंने ही चालू कर दिया, मेरी अपनी टेक्निक डेवलप करनी पड़ी मुझे, और आज मैं ऐसा पोर्ट बना सकता हूँ। बहुत मेहनत लगी, 2011 से मैं पोर्ट बना रहा हूँ, अलग अलग डिज़ाइन में, अलग अलग स्टाइल में, और सेल भी करता हूँ, किसी को चाहिए तो वो यहाँ के ले जाता है। कभी कभी मैं छोटे पोर्ट हो तो मैं सप्लाई भी करता हूँ, वैसे मास प्रोडक्शन नहीं होता, ऑन डिमांड ही बनाता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ी मेहनत लगती है और उसका कॉस्ट भी ज़्यादा है, तो अगर ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने में थोड़ा दिक्कत होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए मैं आज ये मैं सीधे शेयर कर रहा हूँ, अगर कोई बनाना चाहे तो अपने लिए अपना पोर्ट ही डिज़ाइन कर ले। क्योंकि अगर आपका प्लांट ऐसा आर्टिस्टिक पोर्ट में होगा तो उसका वैल्यू और एस्थेटिक लुक बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि ये आर्टिफिशियल नहीं लगेगा, एक नेचुरल स्टॉक में बनाता हूँ इसमें, वो कलर भी नहीं करता। यदि अगर आपको कलर करने की ज़रूरत है लगती है तो सीमेंट मिक्सचर में ही टाइल जॉइंट फिलर करके आता है रेड ऑक्साइड, उसका पाउडर आप लगा सकते हो, थोड़ा मेहनत का काम है ये।
अगर आपके पास कोई और काम नहीं है करने को तो आप जरूर कर पाएंगे। यहाँ बैकअप नहीं है फिर भी यहाँ मजबूती से हम पकड़ लिया है तो उसको मैं निकाल दूंगा बाद में। यहाँ अब इसी पोजीशन में मैं नहीं निकाल पा रहा, तो जो भी पोजीशन अभी मैं हूँ इसे ही निकल सकती है, वो ही वायर में निकालूंगा बाद में। नीचे बैठ के मुझे रात को भी काम करना पड़ेगा, तो चलिए दोस्तों ऐसा काम चलता रहेगा और आप लोग बने रहेंगे मेरे साथ तो आप सीख पाएंगे।